सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल वाइफ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शशि सिंह और आप देख रहे हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल वाइफ। और आज आप लोग के सामने मैं लेके आया हूं रेडमी 5A स्मार्टफोन, जो जिसे कहा जाता है देश का स्मार्टफोन। तो ये रहा मेरे पास कमाल का अनबॉक्सिंग नाइफ। तो चलो इसके पहले डिटेल्स देखते हैं। तो आप टॉप पे देखने को मिल जाएगा इंडिया नंबर वन स्मार्टफोन फ्रॉम MI। नीचे की तरह दिया गया सौमी रेडमी MI 5A। लेफ्ट साइड में दिया गया आपको रेडमी 5A का 5A। राइट साइड में आपको रेडमी 5A का लॉगो दिखेगा। नीचे की तो कुछ नहीं है, टॉप पे कुछ नहीं है। और इसकी बैक साइड की बात की जाए तो स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो। 5 इंच का HD डिस्प्ले दी गई है, रियल कैमरा 13 मेगापिक्सल, रियर कैमरा विथ PDF डिटेक्टिंग मैक्रो स्लॉट अप टू 128 GB। इतने कम प्राइस में काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिल रही है आपको। प्रोसेसर इसमें देखिए स्नैपड्रैगन 425 क्वाड कोर प्रोसेसर, 2 GB की रैम दी गई है, 16 GB की इंटरनल मेमोरी दी गई। और जो कलर मेरे को मिली है वो है ग्रे कलर की। तो चलो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा वो नाइफ जिससे मैं आप ये फ़ोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले सिर उसको कट करते हैं। टन टन, ये रहा आप लोगों के सामने रेडमी 5A जो कि ग्रे कलर की है। इसकी वारंटी कार्ड दी गई विथ MI नंबर्स भी उसमें बैक साइड में दी गई। सबसे पहले फ़ोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या है मेरे पास। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है रेडमी की थोड़ी फीचर साइड गाइड है, जिससे फ़ोन कैसे ऑपरेट करती है कैसे नहीं करती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नॉर्मल सी USB-C टाइप डाटा केबल, सिम इजेक्टर टूल्स, और यहाँ पे आपको मिलता है चार्जर, जो कि चार्जर है वो है 5 वोल्ट की मेड इन इंडिया की, इसमें ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो चलो सबसे पहले इसकी टाइट कर देते हैं और फ़ोन को रिबूट कर। तो ये रहा वो स्मार्टफोन जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था। तो आपको फ्रंट में देखने को मिलेगी 5 मेगापिक्सल की रियर कैमरा विथ ईयर स्पीकर्स। बैक साइड में आपको देखने को मिलती है 13 मेगापिक्सल का रियल कैमरा विथ फ्लैश। नीचे की तरफ आपको देखने को मिलती है स्पीकर्स। राइट साइड में आपको देखने को मिलती है पावर बटन प्लस वॉल्यूम लॉकर्स। लेफ्ट साइड में आप लोगों को देखने को मिलती है 2 SIM ट्रे। और बता दूं कि MI की ये फर्स्ट स्मार्टफोन है जिसमें आप लोगों को हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलती थी। चलो आपको इसकी सिम स्लॉट्स दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 2, ये रही सिम स्लॉट्स। इसमें आप नैनो सिम कार्ड यूज़ कर सकते हो। सिम 2 है ये दी गई है, सिम 2 को आप अलग लगा सकते हो। और सिम 1 में आप सिम 1 प्लस TFT मतलब मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो अप टू 128 GB। तो चलो सबसे पहले इस फ़ोन को रिबूट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेटअप कंप्लीट कर लिया है। और सबसे पहले देखते हैं इसकी सेटिंग्स में कि क्या क्या सेटिंग्स में दी गई है अबाउट फ़ोन में। तो यहाँ पे आप लोग देखने को मिलता है अबाउट फ़ोन में मैं जाता हूँ। यहाँ पे आप डिवाइस नेम दिखेगा, मॉडल नंबर रेडमी 5A, एंड्रॉयड वर्जन रन कर रहा है 7.1.2 नॉगट। और CPU यहाँ पे देखने को मिलता है 1.4 GHz। रैम आपको देखने को मिलता है 2 GB की। इंटरनल मेमोरी दी गई है 16 GB, जिसमें से आपको 8.75 GB अवेलेबल है। बाकी की फ़ोन की खुद की ऐप्स रन कर रही है और तो यहाँ कुछ है नहीं। सॉरी, आप लोग को इसकी नॉगट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप नॉगट वर्जन देख लो, नॉगट 7.1.2 नॉगट दी गई है। और मैं इसकी कैमरा की बात करता हूँ तो कैमरा की मैं कुछ फ़ोटोज़ लिख के आप लोगों को दिखा दूँगा।
यहाँ पे साथ में आप लोगों को देखने को मिलती है MI Drop, जो कि नई ऐप MI ने लॉन्च की है अपने MI के स्मार्टफोन में। MI Drop जैसे कि आप वन ड्राइव यूज़ करते हो, गूगल क्लाउड यूज़ करते हो, सेम उस टाइप की ये गूगल ड्राइव है। और साथ ही साथ MI की हर फ़ोन में मिलती है MI रिमोट, जिससे आप अपने TV ऑपरेट कर सकते हो, AC ऑपरेट कर सकते हो। और साथ में सैमसंग के जैसी यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट की कुछ ऐप्स मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, स्काइप लाइट, जैसे आपको कुछ भी ऐप्स। और यहाँ पे ऑनलाइन ऐप्स भी आप लोग को मिलती है प्रीलोडेड अमेजोन स्टोर, जिससे जैसे कि आपको नेट से कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप एक अच्छे स्मार्टफोन की तलाश में हो, काफ़ी सस्ती में, काफ़ी अच्छी, तो आप इसे Redmi 5A को परचेस कर सकते हैं। हालांकि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दी गई है, जो कि इसके नेक्स्ट वर्जन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ इसमें अपडेटेड नॉक ऑडियो वर्जन 8.0 भी अपडेट कुछ दिन में मिलने लगी। तो मैं तो इस फ़ोन को कुछ दिन तक यूज़ करने वाला हूँ, और मेरी शायद नेक्स्ट वीडियो हो सकती है मैं इसकी कुछ डिटेल्स को और डीपली में बताऊँ। तो आई होप आप लोग, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।